नोट करोगे कि फ्रॉग एंड अर्थवर्म से जनरली द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड आर वेरी वेरी लेस। अगर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फ्रॉम द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जहाँ पे टाइप स्टडी है विच इज बेसिकली फ्रॉग अर्थवर्म एंड कॉकरोच, तो मोर ऑफन प्रिफर्ड क्वेश्चन विच आर गिवन आर फ्रॉम कॉकरोच। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल बिट ऑफ इम्पोर्टेंस यू विल हैव टू गिव टू द पोर्शंस ऑफ कॉकरोच। वी आर गोइंग टू फॉलो द पेपर्स, प्रायर 5 ईयर्स के पेपर्स हम फॉलो करेंगे एंड विल बी कवरिंग एनसीईआरटी इन द सेम वे। हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी बेसिक्स चैनल। तो आज के सेशन में हम देखेंगे नीट बायोलॉजी पेपर का एनालिसिस फॉर द ईयर 2022। ये पर्टिकुलर सेशन विल बी डिवाइडेड इनटू टू। पहले हम करेंगे क्लास 11th के पेपर का एनालिसिस फॉर बायोलॉजी, फिर हम करेंगे क्लास 12th का एनालिसिस। एवरी क्वेश्चन हैज बीन पुट इनटू देयर रिस्पेक्टिव चैप्टर और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से या यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं। यू विल ऑल्सो गेट टू नो कौन सा यूनिट हमें ध्यान से पढ़ना है और कौन सा यूनिट हमें डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा है इन नीट एग्जामिनेशन। तो विदाउट फर्दर अडू चलते हैं हमारे पेपर एनालिसिस की तरफ। लाइक आई टोल्ड यू, सबसे पहले हम करेंगे क्लास 11th। आपको ये ध्यान रखना है दैट इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी विल नॉट बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस, हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस नहीं करेंगे। हाउएवर द आंसर्स हैव बीन हाइलाइटेड, आप इसका फायदा उठा सकते हो। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन पुट इनटू देयर रिस्पेक्टिव चैप्टर्स, सो एकदम ब्रीफ सा एनालिसिस होगा बट एकदम क्लियर एनालिसिस होगा। आपको एक बहुत अच्छा क्लैरिटी मिलेगा आफ्टर दिस सेशन, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो जो हमने नीट का क्वेश्चन पेपर देखा उसके जो क्वेश्चंस हैं हमने उसको डिवाइड कर दिए हैं चैप्टर वाइज। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये बिलोंग करता है लिविंग वर्ल्ड को। लिविंग वर्ल्ड में ये आपसे पूछ रहा है हायरार्कियल अरेंजमेंट। हमारे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हमने ये कॉन्सेप्ट कवर किया है। इफ यू हैवंट वॉच्ड द रिकॉर्डिंग्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड चैप्टर प्लीज डू सो इन द सेम चैनल एनसीईआरटी बेसिक्स। तो आप देखोगे यहाँ पे आपसे पूछा गया है हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बिलोंग करता है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को, जहाँ पे आपको 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं वो याद करनी थी और उन्हें ऑर्डर में लिखना था इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर इन केस ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे आपसे पूछा गया है इन केस ऑफ एनिमल्स। तो ये भी आपको ध्यान देना था इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे चलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपसे पूछा गया है करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दे हैव आस्क्ड यू टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये लिविंग वर्ल्ड के बाद आएगा, जो ऑफ कोर्स हम करेंगे इन अपकमिंग क्लासेस। एंड ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू बिलोंग्स टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आगे आते हैं प्लांट किंगडम की तरफ। तो हमारे पास कितने क्वेश्चन थे, लिविंग वर्ल्ड से एक क्वेश्चन था, हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी एक ही क्वेश्चन आया है इन नीट 2022। आगे आते हैं हम प्लांट किंगडम की तरफ। प्लांट किंगडम में आपको मिल जाएंगे दो क्वेश्चंस, ये एक है और ये है दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अनदर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कैराजीन कौन सा प्लांट ग्रुप प्रोड्यूस करता है, तो आंसर है ऑप्शन 4। Which of the following is incorrectly matched? ये भी जो है हमारा रिजर्व फूड मटेरियल जो प्लांट किंगडम में स्पेशली अंडर थैलोफाइटा क्लासिफिकेशन वहाँ पे आता है। तो ये है जो रॉन्गली मैच्ड या फिर इनकरेक्टली मैच्ड ये पूछा गया है यूलोथ्रिक्स दैट इज मैनिटॉल, ये गलत है। यूलोथ्रिक्स ग्रीन आल्गे है तो यहाँ आना चाहिए था पायरोनॉइड। सो ये भी प्लांट किंगडम में है, तो प्लांट किंगडम में आ गए टू क्वेश्चंस। कमिंग फॉरवर्ड अनदर क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इन प्लांट किंगडम जो मैच द फॉलोइंग टाइप था, हमने ऑलरेडी आंसर को ग्रीन में हाईलाइट करके रखा है। नाउ दिस वाज अ क्वेश्चन इन प्लांट किंगडम जो आपको अलग अलग डिविजन्स लेके
उनके एग्जाम्पल्स निकाल के बनाए गए हैं, है ना। जैसे स्पायरोगायरा, फर्न, फ्यूनेरिया, साइकस, दे बिलोंग टू वेरियस डिविजन्स अंडर प्लांट किंगडम, और उनके चलते यू हैव अ क्वेश्चन फॉर्म्ड विच इज मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हमारे पास प्लांट किंगडम में थे 3 क्वेश्चन। अब हम आते हैं एनिमल किंगडम की तरफ। एनिमल किंगडम में पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, दे हैव आस्क्ड यू अबाउट चेम्बर्स लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड, एंड आंसर था ऑप्शन नंबर 1। एव्स के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे याद करनी थी, पैवो पैवो सिटैक्यूला एंड कोरवस, ये था आंसर। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है एसर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन। एसर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था एसर्शन एंड रीजन। बहुत बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, बट एज पर मी ये बहुत ईजी सा स्टेटमेंट है। एक्सक्यूज मी, जब एनिमल किंगडम पढ़ाया जाता है, व्हेन यू रीच द फैग एंड ऑफ द चैप्टर, बेसिकली ये स्टेटमेंट हर टीचर बताएगा आपको कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, है ना। ये स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा है, और जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो रीजन में दिया गया है कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट्स। तो ये हो गए हमारे कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फ्रॉम एनिमल किंगडम। फिर हम आते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की तरफ। एक टाइम पे यहाँ से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आया करते थे, बट ऑफ लेट ये पर्टिकुलर चैप्टर थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े बढ़ गए हैं। आप देखोगे यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। तो पहला है वेक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डाई एडाल्फस स्टेमन। वेक्सिलरी एस्टिवेशन हो गया एंड डाई एडाल्फस स्टेमन हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है वेक्सिलरी एस्टिवेशन और डाई एडाल्फस स्टेमन कौन दिखाता है, पाइसम सटाइवम। ठीक है, ये आप रिलेट कर पाओगे फैमिली से, फैबेसी फैमिली जो है उसको बिलोंग करता है ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल पाइसम सटाइवम। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर आप याद रख लेते तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे ए से ई तक आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमें आइडेंटिफाई करने थे, जिसमें से बी सी डी एंड ई आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। कौन कौन सा सही है, बी है, सी है, फिर हमारे पास डी एंड ई स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। व्हाट इज रॉन्ग इन द स्टेटमेंट ए, द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न सॉरी इन सिट्रस एंड बोगनविला। ये जो लीफलेट मॉडिफिकेशन है, दिस इज अ रॉन्ग टर्मिनोलॉजी यूज, ये गलत टर्मिनोलॉजी है जो यूज हुई है फॉर सिट्रस एंड बोगनविला, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, द वर्ड लीफलेट देयर इज रॉन्ग। जब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स करेंगे तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, या फिर अगर ये चैप्टर आपने अपने स्कूल्स में ऑलरेडी कर लिया है तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे पूछा गया है अबाउट द सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। आपसे पूछा गया है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स कौन कौन से हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कौन कौन से हैं। एक हो गया बी विच इज गुलमोहर एंड एक हो गया सी विच इज कैसिया। 2 फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है। ये आता है सिमेट्रिकल जो स्टडी ऑफ फ्लावर्स हम करते हैं, एसिमेट्रिकल है या फिर जाइगोमॉर्फिकली सिमेट्रिकल है या फिर एक्टिनोमॉर्फिक है, दिस अगेन कम्स इन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव हियर, वी हैव 3 क्वेश्चंस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर हम आते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे। यहाँ पे आप देखोगे मैंने ये क्वेश्चन नंबर जो है वो उसको रेड करके रखा है, बिकॉज यहाँ पे एम्बिग्यूटी थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एंड ऑल्सो टीचर्स ने ये ओपिनियन दिया है कि ऑलमोस्ट ऑल द स्टेटमेंट्स फ्रॉम ए टू ई आर राइट, तो ये थोड़ा एम्बिग्यूस सा क्वेश्चन था। नेवरदलेस इट बिलोंग टू एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इट बिलोंग टू एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12,
विच इज द सेकेंड क्वेश्चन इन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, आपको अगेन यहाँ पे करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अबाउट वॉट, अबाउट स्प्रिंग वुड, अबाउट स्प्रिंग वुड दैट हैज टू बी आइडेंटिफाई. कितने स्टेटमेंट्स दिए गए हैं हमें, हमें दिए गए हैं स्टेटमेंट्स फ्रॉम ए टू ई एंड यू हैड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. तो ए सही है, सी सही है, डी एंड ई सही है. ए इज राइट, ठीक है, सी इज राइट, डी इज राइट एंड ई इज राइट. द रॉन्ग स्टेटमेंट हियर इज इन स्प्रिंग सीजन, इन स्प्रिंग सीजन, द रॉन्ग स्टेटमेंट हियर इज इन स्प्रिंग सीजन, इन स्प्रिंग सीजन केम्बियम प्रोड्यूसेस जाइलम एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स. ब्रॉड वेसल्स होना चाहिए था और यहाँ पे दिया गया है नैरो वेसल्स. दिस इज रॉन्ग. स्प्रिंग सीजन में जो वेसल्स प्रोड्यूस होती हैं बाय केम्बियम, दे आर ब्रॉडर इन नेचर. ठीक है, चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो कितने क्वेश्चन हो गए एनाटॉमी में, दो हमारे पास ऑलरेडी थी जो हमने डिस्कस किए, एंड अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन. तीसरा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे अगेन यू हैड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वॉट द सेकेंडरी जाइलम. तो यहाँ पे अगेन ए एंड बी ओनली, ए स्टेटमेंट सही है एंड बी स्टेटमेंट, जो बी स्टेटमेंट है दैट इज राइट. इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू वॉट. इंसेक्ट अटैक क्यों नहीं करता इन द ओल्डर ट्रीज इन द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम. Why is it not attack? जो central wood हम जो बोलते हैं heart wood which is dark in color and it is non-conducting part है ना, उसको हम बोलते हैं the heart wood. तो क्या होगा answer? Secretion of secondary metabolites and their deposition in the lumen of vessel. This is right. Deposition of organic compounds like tannins and resins in the central layers of stem. ये भी सही है. यहाँ पे क्या गलत है? यहाँ पे इन्होंने बोला आउटर लेयर, ये गलत है. अगेन पेरिफेरल लेयर, ये गलत है. एंड इन्होंने बोला प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स जो है लिविंग, तो ये भी गलत हो गया. जब आप ओल्ड ट्रीज बोल रहे हो एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट बोल रहे हो, देन मोर लाइकली दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ट्री इज डेड, है ना, इट इज डेड. तो ये था गलत एंड द करेक्ट आंसर वॉज ए एंड बी ओनली. चले आगे, कितने क्वेश्चन हो गए एनाटॉमी में हो गए 3 क्वेश्चन. अब हम आते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की तरफ. यहाँ पे हमारे पास है अगेन तीन क्वेश्चन है हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू. वेरी इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन. द आंसर इज न्यूरोग्लिया, है ना, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोस है एंड ऑल्सो कार्टिलेज. अब हम आते हैं मैच द फॉलोइंग, दैट इज लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. ये मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस जनरली बहुत इजी और डायरेक्ट होते हैं, तो आपको सिर्फ 1-2 एंड इफ यू आर बैड लक इज फेवरिंग यू तो शायद आपको 3 मैच करने पड़ जाए. बट मोर ऑफन मैच द फॉलोइंग में 1-2 अगर आप मैच कर लो तो सही आंसर इमीडिएटली निकल के आ जाता है. तो आंसर हियर इज बी. ए मैचेस विद 4, B matches with 3, C matches with 1 and D matches with 2. Correct? है ना? Adipose loose connective tissue है and so on. C, B and A अपने अपने characteristic names के साथ उनको match कर दिया गया है. Let's come to question number 16. Tegmina in cockroach arises from. Tegmina in cockroach arises from mesothorax. The answer is mesothorax. तो यहाँ पे आप नोट करोगे कि फ्रॉग एंड अर्थवर्म से जनरली द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड आर वेरी वेरी लेस. अगर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फ्रॉम द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जहाँ पे टाइप स्टडी है विच इज बेसिकली फ्रॉग, अर्थवर्म एंड कॉकरोच, तो मोर ऑफन प्रिफर्ड क्वेश्चंस विच आर गिवन आर फ्रॉम कॉकरोच. ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल बिट ऑफ इम्पोर्टेंस यू विल हैव टू गिव टू द पोर्शंस ऑफ कॉकरोच. वी आर गोइंग टू फॉलो द पेपर्स, प्रायर 5 ईयर्स के पेपर्स हम फॉलो करेंगे एंड वी विल बी कवरिंग एनसीईआरटी इन द सेम वे. नेक्स्ट,
नेक्स्ट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. सो सेल में कितने क्वेश्चंस है, सेल में कितने क्वेश्चन है, सेल में है हमारे पास तीन क्वेश्चंस है ना. तो पहला क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल. तो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर आपको बताना है अगेन अगेन. तो यहाँ पे क्या गलती कर दी, इन्होंने बोला है माइकोप्लाज्मा आर विद सेल वॉल, ये गलत है. यू ऑलवेज हैव लर्नड माइकोप्लाज्मा एज एन एक्सेप्शन एंड दे आर बैक्टीरियल सेल्स विदाउट सेल वॉल, है ना. तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन 4, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट. फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट, जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये जो करेक्ट एंड इनकरेक्ट है, सबसे पहले इसको नोट करना है हमें, ताकि आंसर चूज करने में मिस्टेक्स ना हो. यू हैव टू ऑलवेज फोकस एंड यू हैव टू हाईलाइट दीज वर्ड्स इनकरेक्ट या करेक्ट दे हैव आस्क्ड यू एंड नोट इट डाउन मेंटली एंड नोट इट डाउन मेंटली. नॉर्मली व्हेन द पेपर इज गिवन दीज पर्टिकुलर वर्ड्स आर ऑलरेडी गिवन इन बोल्ड, यू जस्ट हैव टू रजिस्टर इट मेंटली. तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हाट इज इनकरेक्ट इज व्हाट इज आस्क्ड. तो व्हाट हैव दे गिवन, इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER आर प्रेजेंट. व्हाट इज रॉन्ग हियर, व्हाट इज रॉन्ग हियर, दे हैव गिवन यू द वर्ड प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता, दे डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. So this particular statement stands wrong. In prokaryotes, ER, that is endoplasmic reticulum, is absent totally, not present at all, right? So this is the answer here. Next, again comes match the following type of question. So this particular question is again from cell unit of life, the structure of chromosome, wherein based on the position of centromere, how many types of chromosomes are present? That is what they've asked you, है ना? चलो, metacentric chromosome. Metacentric chromosome क्या होगा? It is centromere in the middle forming two equal arms of chromosome. B हो गया acrocentric, which matches with one. फिर आते हैं हम C पे, telocentric. And sorry, C पे हम आते हैं submetacentric, which is basically option 4, centromere slightly away from the middle forming one shorter arm and one longer arm. फिर हम आते हैं telocentric. Telocentric is centromere at the terminal end. So there is your answer. There is your answer. How many questions we had? We had 9 questions from cell chapter. फिर हम आते हैं biomolecules की तरफ. How many questions we have in biomolecules? Quite a few questions. हमारे पास 4 questions हैं from biomolecule chapter. जो biomolecule chapter है, in your NCERT 11th में, आपके जो 11th में NCERT का chapter है biomolecule, वैसा ही एक chapter है 12th के chemistry में biomolecule. हो सके तो इन दोनों chapters को combine करके पढ़ने की कोशिश करो, ताकि understanding बढ़े आपकी. क्योंकि 11th में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर बहुत बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, मे बी बिकॉज योर केमिस्ट्री बेसिक्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट व्हेन यू रिपीट द सेम चैप्टर इन केमिस्ट्री इन 12th, यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हैज टू बी लर्नड एंड हाउ टू रिमेंबर इट, राइट. सो ट्राई टू रिलेट दीज टू चैप्टर्स वंस योर 11th एंड 12th आर डन एंड यू आर जस्ट बिफोर द फेस ऑफ यू नो नीट का एग्जामिनेशन. तो दैट इज द टाइम जब आपको रिलेट करके उन्हें पढ़ने की कोशिश करनी है. So let's see what are the questions and what are the answers. Read the following statement. Again, choose the correct set of statements. Answer yahan pe hai C, D and E only. C is correct, D is correct and E is correct. Theek hai? C, D and E only. So gingery oil has lower melting point, hence remains as oil in winter. Lipids are generally insoluble in water but soluble in some organic solvent. Again, very true. When fatty acid is esterified with glycerol, monoglycerides are formed. Also a true statement.
सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पोजेस वन और मोर सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड्स, है ना. सैचुरेटेड डू नॉट हैव डबल बॉन्ड्स, राइट. अनसैचुरेटेड हैव इट. तो दिस इज व्हाट इज रॉन्ग हियर. लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड. अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट. यू जस्ट हैव टू रीड एनसीईआरटी टू अंडरस्टैंड एंड टू रिकॉल व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज wrong, and that is what we are trying to do in this particular channel, which is NCERT basics. Chalo, next question. Match the following again. What is glycogen? Glycogen is a storage product. What is globulin? Globulin is antibody. Steroids kya hai? Steroids hormone hai. Thrombin kya hai? It's a biocatalyst which comes in the blood coagulation part. है ना. एंटीबॉडीज जब आप ग्लोबुलिन बोल रहे हो तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में 12th के चैप्टर में अगेन इट गेट्स रिलेटेड समवेयर. तो ये अगेन आ गया बायोमोलिक्यूल. ठीक है, चलो नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन. अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक्स टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस माल्टोज. इफ द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज इज C6H12O6, देन द फॉर्मूला फॉर माल्टोज वुड बी. आपको यहाँ पे बताया गया है डिहाइड्रेशन रिएक्शन है. डिहाइड्रेशन में क्या होता है? What happens in dehydration? Anyone? आपको आंसर आया होगा. What happens in dehydration? Dehydration में there is loss of a water molecule. जब माल्टोज बनेगा, which is a disaccharide, there is going to be a loss of a water molecule. आपको क्या करना था? आपको जस्ट याद रखना था कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज लॉस्ट. तो हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा C12H22 and O11H2O इज लॉस्ट. माल्टोज कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल. अगर आपने दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले लिए तो आप अगर कंबाइन करते जाओ तो C12 बनेगा, H24 बनना चाहिए एंड O शुड बी 12. अब अगर इसमें से H2O निकाल दिया आपने तो H क्या बनेगा? H would be 22 and oxygen would be 11. C would remain 12. तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन डी. आई होप ये क्लियर है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ. तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है. दे आर आस्किंग यू एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड. ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. 9th में भी आपने जब डाइवर्सिटी पढ़ा होगा यू वुड हैव स्टडीड दिस कि एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज नथिंग बट मेड अप ऑफ काइटिन. तो हमारे पास हो गए ये 3 क्वेश्चन फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स एंड ये था हमारा 4th क्वेश्चन. सो टोटल यू हैव 4 क्वेश्चन फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स. दैट मीन्स इट्स क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. फिर हम आते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिविजन की तरफ. सेल साइकिल एंड सेल डिविजन में यू हैव क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27. प्लीज नोट कि ये क्वेश्चन नंबर ऑफकोर्स चेंज हो गए हैं बिकॉज आई हैव सॉर्टेड देम एज चैप्टर वाइज. तो बट द क्वेश्चन आर सेम. आप कोई भी कोड उठा लो, क्वेश्चन सही रहेंगे. या तो ऑप्शन शफल कर दिए गए हैं या तो क्वेश्चन नंबर शफल हुए हैं, राइट. दिस इज हाउ इट इज डन. तो यहाँ पे सेल साइकिल एंड डिविजन में हमारे पास अगेन है 4 क्वेश्चन. अगेन क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिविजन. तो क्वेश्चन देख लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिविजन? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम. ये कब होता है? व्हेन डज दिस अकर? दिस अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड दैट टू स्पेसिफिकली मियोसिस 1, दैट टू इन प्रोफेस 1. ये होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम देयर. नेक्स्ट, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइजेस the site at which crossing over occurs. आपने पढ़ा होगा recombination, genetic recombination में the non-sister chromatids of a pair of homologous chromosome they cross over. ये जो point of crossing over बन रहा है and then there is going to be exchange of genetic segment, है ना. The question is based on that. फिर हम आते हैं question number 26 on the screen. Select the incorrect statement with reference to mitosis. Spindle fibers attached to centromere of chromosome. Also true. तो यहाँ पे आपको बोला है incorrect statement. तो मैंने बोला also true. That is meaning true मतलब ये incorrect statement है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये statement true है. Of course ये statement गलत है. क्यों गलत है? Why is it wrong? Because centromere, आपने ये centromere ले लिया
और आपने ले लिए सिस्टर क्रोमैटिड, तो जो स्पिंडल फाइबर है वो कहाँ अटैच होगा, वेयर डज इट अटैच? यहाँ पे सेंट्रोमियर के इर्द गिर्द और अराउंड द सेंट्रोमियर यू हैव समथिंग कॉल्ड एज अ काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर इज बेसिकली द रीजन जहाँ पे एक्चुअली द स्पिंडल फाइबर आर अटैचिंग, एंड देन इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू हेल्प इन सेपरेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स। राइट राइट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, बट इट इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अगेन इनकरेक्ट पूछा है आपसे। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेस ऑफ मियोसिस टू, ये मियोसिस टू जो डाला है वो गलत है। एस फेस ऑफ मियोसिस वन अगर कहते तो सही होता। यू हैव एस फेस इन मियोसिस वन, मियोसिस वन है, मियोसिस टू है, बट डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ओनली वंस। ये स्टेटमेंट भी एनसीईआरटी में दिया गया है दैट डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ओनली वंस बिटवीन मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। देर इज रीप्लेनिशमेंट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स दैट आर लॉस्ट, एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, सेंट्रियोल ड्यूप्लीकेट होगा, बट डीएनए विल नॉट ड्यूप्लीकेट। डीएनए विल रेप्लीकेट ओनली इन द एस फेस ऑफ मियोसिस वन एंड नॉट आफ्टर मियोसिस वन। तो ये भी अगेन एनसीईआरटी से लिया गया है, स्टेटमेंट एग्जैक्ट दिया गया है एनसीईआरटी में। अगर आप सेल साइकिल का वो स्टेटमेंट पढ़ोगे अंडर मियोसिस, तो ये हमें याद रखना था फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। सो बिफोर दैट, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में कितने क्वेश्चन थे? 4 क्वेश्चन, मतलब इट्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। फिर हम आते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आता है प्लांट फिजियोलॉजी के यूनिट में, प्लांट फिजियोलॉजी के यूनिट में। तो यहाँ से हमारे पास आए हैं 3 क्वेश्चन, है ना, 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं हम। Which of the following is not observed during apoplastic pathway? Apoplastic pathway में क्या नहीं देखा जाता? Not observed. The movement is aided by cytoplasmic streaming. जैसे ही आपने apoplastic बोला, what is it? It is basically a network of dead spaces. जैसे ही आपने dead space बोला, cytoplasm will lose its importance altogether. Cytoplasm तो involve होगा ही नहीं. तो your answer should be option 4 here. ये दिस इज ट्रू फॉर सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, है ना, दिस इज ट्रू फॉर सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। अब हम आते हैं 29th क्वेश्चन की तरफ। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म बाई प्लांट फिजियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट जो है, दिस वॉज बेसिकली लर्नड और डिजाइंड टू अंडरस्टैंड सुक्रोज ट्रांसपोर्ट through phloem। जो गर्लिंग एक्सपेरिमेंट है, that was done to understand which tissue is responsible to transport sucrose in what direction, ठीक है। चलो next, addition of more solutes in a given solution will, ये इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। जब आप स्टार्ट करते हो, यू विल बी लर्निंग अबाउट ऑस्मोटिक पोटेंशियल, you'll be learning about water potential, you'll be learning so many different terms which will later help you understand how exactly water gets transported in the plant. So yahan pe aata hai, agar aapne more and more solute dal diya ek solution mein, to you already have a solution, theek hai, aapke paas already solution hai, aapne iske andar kya dala, you have added more and more solute, you have added more and more solute. What will happen to its water potential? Water potential जो है, let us say एक scale है, ऊपर plus, minus and बीच में zero, ठीक है? तो water का water potential क्या होता है? It is zero. आपने solute डाला, you went on adding solute, water potential is going to drop. Water potential कम हो जाएगा. The free energy of the water molecule is lost. क्यों? Because वो अपना energy लगा रहा है solute को घोलने में या dissolve करने में. So it is losing its energy to dissolve the solute that you have put in. So naturally उसका energy घट जाएगा. Right? ठीक है. चलो question number 30 is done. अब कितने questions हो गए transport in plants में? 3 question. अब mineral nutrition पे आते हैं. Question number 31 and 32. तो हमारे पास है 2 क्वेश्चन,
Which one of the following produces nitrogen fixing nodules on the roots of alnus? ये जो एलनस प्लांट है ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है. जैसे लेग्यूमिनस प्लांट इज एसोसिएटेड विद विद राइजोबियम, वैसे ही यू हैव एलनस विच इज एसोसिएटेड विद द बैक्टीरिया फ्रैंकिया फ्रैंकिया. ठीक है, अगेन वी कम टू मैच द फॉलोइंग, दैट इज मैचिंग लिस्ट वन विद लिस्ट टू. मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर एक्चुअली easy ones. The moment you see match the following, आपको खुश हो जाना चाहिए, because this is more likely to be an EV question. तो चलो आते हैं. हमारे पास है A, manganese. Its function in splitting of water. फिर हमारे पास है magnesium. Activates enzymes of respiration. फिर हम आते हैं boron की तरफ. Required for pollen germination. And then iron, which activates the enzyme catalase. So there is your answer. तो हमारे पास कितने क्वेश्चन है मिनरल न्यूट्रिशन से? एग्जैक्टली टू. देन वी कम टू फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस से भी हमारे पास फोटोसिंथेसिस में हमारे पास तीन क्वेश्चन है. नेक्स्ट तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमियोस्मोसिस. ठीक है, नॉट ट्रू. ब्रेक डाउन of electron gradient, not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis. Chemiosmosis कहाँ हुआ? Where does it occur? It occurs in chloroplast. कौन सा gradient break होगा? Electron नहीं होगा, rather proton gradient break होता है. The gradient that is broken is proton gradient and not electron gradient. Next. Given below are two statements. ठीक है, statement one and two पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो statement. मैंने पढ़ा हुआ है, आप पढ़ लो. The primary carbon dioxide acceptor in C4 plant is phosphoenol pyruvate. What is the short form of it? We call it as PEP and is found in the mesophyll cell. Mesophyll cells of C4 plants lack Robisco enzyme. What's the answer? Both the statements are correct. C4 plants have PEP as primary CO2 acceptor, and also that the mesophyll cells lack Robisco. What do they contain? They contain pepcase. They contain pepcase, phosphoenol pyruvate carboxylase. All right, chalo, let's go to third question on photosynthesis. Third question on photosynthesis. What is the role of large bundle sheath cells found around the vascular bundles in C4 plants? In C4 plants, again exactly from NCRT. कोई भी question is not out of NCRT. हो सकता है थोड़ा application based बना दिया हो, but it is not out of NCRT. चलो, what is the role of large bundle sheath cell पूछा गया है? To increase the number of chloroplasts for the operation of Calvin cycle, to protect the vascular tissue from high light intensity, to provide the site for photorespiratory pathway. To enable the plant to tolerate high temperature. ये थोड़ा मेरे हिसाब से ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि शायद ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी से एज सच ना मिले, बट आप जो पैराग्राफ पढ़ोगे तो ये समझ के आएगा, निकल के आएगा. कहानी के बीच में पढ़ना बहुत जरूरी है, रीड बिटवीन द लाइन्स. आप जब स्टोरी बुक्स पढ़ते हो तो दो तीन सेंटेंस पढ़ोगे तो उसमें से एक मीनिंग निकल के आएगा. ये वैसा क्वेश्चन था, ये मीनिंग निकल के आएगा फ्रॉम द पैराग्राफ विच इज गिवन फॉर C4 प्लांट्स. ठीक है, तो व्हाट डज इट से? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ कैल्विन साइकिल. जो बंडल शीट सेल है अराउंड द वैस्कुलर बंडल्स, है ना, हमारे पास है एपिडर्मिस. मैं बहुत रफ सा डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, पार्डन मी, माई डायग्राम्स आर बेटर देन दिस, बट दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. तो ये हो गए अपने मीसोफिल सेल्स. Mesophyll cells. अब हमारे पास है bundle sheet cell. These bundle sheet cells, which are actually coming around the vascular bundle. Let's say ये हमारा xylem और phloem है. ये जो blue color में है, जो bundle sheet cell है, they are involved in Calvin cycle. Mesophyll जो cells हैं in C4 plant, they don't show Calvin cycle. So this particular activity that you're seeing, which is Calvin cycle, is happening in the bundle sheet cell. They need to have more number of chloroplasts.
इन ऑर्डर टू कैरी आउट द C3 पाथवे और द कैल्विन साइकिल। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम फोटोसिंथेसिस चैप्टर। अब हम आते हैं 36th क्वेश्चन। व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी? व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड? व्हिच पाथवे आर दे टॉकिंग अबाउट? दे आर टॉकिंग अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। दे आर टॉकिंग अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। नेट गेन पूछा है आपसे, नेट गेन। चार एटीपीज बनती हैं, बट दो जो है वो एक्टिवेशन फेस में दे गेट कंज्यूम्ड। फोर एटीपीज आर फॉर्म्ड, बट टू गेट कंज्यूम्ड इन द एक्टिवेशन फेस। तो वी आर लेफ्ट विद द आंसर टू। वी आर लेफ्ट विद द आंसर टू। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स माइट ऑल्सो काउंट द NADH व्हिच इज फॉर्म्ड, बट ये नहीं करना था। वी वर नॉट सपोज टू डू दैट। डायरेक्टली फ्रॉम NCERT अंडर एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन दिस इज गिवन। जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ ग्लूकोज इज एक्चुअली बीइंग यूटिलाइज्ड? व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड? लेस देन 7%। अगेन अ स्टेटमेंट डायरेक्टली टेकन फ्रॉम NCERT। ठीक है, तो ये था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस? टू। लेट्स कम टू प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे पास प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में तीन क्वेश्चंस हैं, थ्री क्वेश्चंस। लेट्स सी व्हाट दोज आर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट शो प्लास्टिसिटी? मेज। कोकोनट दिखाता है, कोरिएंडर है, बटरकप है। इन द एग्जाम्पल्स गिवन इन NCERT अंडर प्लास्टिसिटी हेटरोफिली, इफ यू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर टर्म, तो यहाँ पे आंसर प्लास्टिसिटी क्या नहीं दिखाएगा, द आंसर इज मेज। फिर हम आते हैं 39th क्वेश्चन पे। द गेशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज इन प्लांट्स टू। गेशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते ही आपको क्या याद आना चाहिए? एथिलीन, बिकॉज दिस इज द ओनली गेशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। बाकी सारे हॉर्मोन्स दे आर नॉन गेशियस, वो गेशियस नहीं है, राइट? सो व्हाट डज इट डू? इट हेल्प्स इन रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द अब्सॉर्प्शन सरफेस। डायरेक्ट kill dicotyledonous weed auxin, speed up the malting process, you have gibberellic acid, help overcome apical dominance, and then you have cytokinin, hai na? To option C hai answer yahan pe. Next, production of cucumber has increased manifold in recent years. Application of which of the following phytohormones has resulted in the increased yield as the hormone is known to produce female flowers in the plant? Again, your answer is ethylene here. Answer hai ethylene. Again, directly liya gaya hai from the functions of ethylene. Hai na? Ethylene, aap agar dekhoge aur list banaoge na, to ethylene function ka jo list hai, functions of ethylene ka list is the longest as compared to any other hormone given. From there only they have picked up these particular questions. How many questions we had in plant growth and development? We had three questions. So I hope by now you've got a fair idea कि कितने questions कौन से chapter से आ रहे हैं, है ना? यही हम अपने last unit पे apply करेंगे, which is animal physiology unit. चले. This is why I say NCERT line by line बहुत important है. 98 to 99% of your NEET paper biology comes from NCERT. मैं बोलूँगी कि 100%, बट ऐसे एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ पे यू विल हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। दैट रीडिंग बिटवीन द लाइंस विल बी यूजफुल फॉर यू टू क्रैक अ लिटिल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ये जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस है, दिस कम्स बाय प्रैक्टिस। अ टीचर कैन हेल्प यू डू दिस, अ टीचर कैन हेल्प यू डू दिस। NCERT इज गोइंग टू हेल्प यू स्कोर 360 ऑन 360 इन बायोलॉजी नीट। रिमेंबर दैट सब्जेक्टिव एग्जाम तो वैसे भी कवर हो रहा है, बट ऑल्सो नीट। इट इज जस्ट अबाउट हाउ यू रीड NCERT, हाउ यू आर सपोज टू रीड NCERT। देयर इज अ नैक टू इट एंड देयर इज अ ट्रिक टू इट। दैट इज व्हाट इज टॉट टू यू इन दिस पर्टिकुलर चैनल। चले नेक्स्ट। अब हम आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की तरफ। डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन। डाइजेशन अब्सॉर्प्शन हमारे पास है दो क्वेश्चन। वी हैव
फर्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय सेक्रेशंस फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स एंड दैट इज डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड। सलाइवरी ग्लैंड्स में हमारे पास अमाइलेस है बट इट इज ब्रेकिंग डाउन द मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंटू सिंपल वंस। इट कैन नॉट ब्रेक डाउन डाइसैकेराइड। हाउएवर इट कैन डू बी सी डी। ऑल द थ्री एक्टिविटीज कैन बी डन बाय द सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। Given below are two statements, statement 1 and statement 2. Fatty acids and glycerols cannot be absorbed into the blood. Specialized lymphatic capillaries are called lacteals that carry chylomicrons into lymphatic vessels. True, fat aap jo khate ho wo directly blood mein nahi jata. It gets absorbed by your lymph capillaries or lymph vessels. And you have option B as the correct answer. How many questions from digestion and absorption? 2 exactly. Breathing and exchange of gases, 43 and 44th question. Which of the following is not the function of conducting part of respiratory system? Not the function of conducting part. Provides the surface for diffusion of O2 and CO2. Ye jo function hai, ye hai function of alveoli. This is not the function of the conducting part, hai na? Conducting part ka function nahi hai. Alveoli ka function hai to provide the surface for diffusion of O2 and CO2. Correct? Ye bhi sahi, ye bhi sahi, ye bhi sahi. When you're breathing and the air enters into your upper respiratory tract, wo hai conducting part. Lower respiratory tracts ke jo ends hai, jise hum bolte hai alveoli, that is where the diffusion occurs of O2 and CO2. Next, under normal physiological conditions in human being, every 100 ml of oxygenated blood can deliver how much ml of oxygen into the tissues? The answer is 5 ml. Direct question tha. Ye direct question tha. Introductory passages are neglected by the students for some reason. I don't know why. ये क्वेश्चंस आपको बताते हैं कि इंट्रोडक्टरी पैसेजेस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास थे दो क्वेश्चंस फ्रॉम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन हमारे पास है अगेन दो क्वेश्चन। देख लेते हैं स्टेटमेंट। द कोएगुलम इज फॉर्मड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन। ठीक है। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट। इन द लाइट of the above statement, choose the most appropriate answer. तो हमारे पास है कितने statement? 1 and 2. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Spleen is the graveyard of erythrocyte. बिल्कुल. RBCs are broken down by spleen and also by liver. The coagulum is formed of network of thread called thrombins. ये गलत है. Fibrins should have been the word, है ना? Fibrinogen is inactive and fibrin is formed out of fibrinogen during the cascade of blood clotting that occurs. So option 1 is the answer here. Next question. Which one of the following statements is correct? Correct. Answer is blood moves freely from atrium to the ventricle during joint diastole. Diastole is relaxation. In joint diastole, all the four chambers, both the auricles and both the ventricles are relaxing. Koi bhi chamber contract nahi kar raha. There is no contraction. All the four chambers are relaxing. So during that time, blood jo hai wo ekdam apna kaam dheere dheere se, chupke se, it is moving from the upper chambers to the lower chamber, which is the ventricle. Apna kaam kar raha hai wo apne aap se, hai na? Phir, jab contraction hota hai of the auricles, तो जो बचा कुचा ब्लड है दैट गेट्स पुश्ड इनटू द वेंट्रिकल्स। ये भी हमने पढ़ा है इन एनसीईआरटी। कार्डियक साइकिल याद करो, यू हैव लर्नड दिस एज वेल। ए बी सी आप पढ़ सकते हो स्टेटमेंट्स। दिस आर ऑल इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, है ना? चलो नेक्स्ट, शैल वी प्रोसीड। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन, नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन बना, वो भी इंट्रोडक्शन से, वो भी एकदम डायरेक्ट और इजी सा क्वेश्चन। नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट बाय पैवो। तो यहाँ पे व्हाट दे हैव डन, दे हैव गिवन यू साइंटिफिक नेम ऑफ द एग्जांपल्स।
है ना, पैवो, पैवो सॉरी, पैवो इज द आंसर हियर. पैवो इज अ टाइप ऑफ बर्ड, इफ यू रिमेम्बर. पैवो इज अ टाइप ऑफ बर्ड. कौन सा बर्ड याद करो, कौन सा बर्ड याद करो, पैवो क्या है, पैवो क्या है? आई एम श्योर आपको याद आ गया होगा. मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ, मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ, ठीक है. पैवो इज बेसिकली, या फिर बता देते हैं, पैवो इज बेसिकली पीकॉक. पीकॉक, चलो. लोकोमोशन एंड मूवमेंट से कितने क्वेश्चन हैं? तीन क्वेश्चंस, थ्री क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम? वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में क्या आता है? कार्टिलेज आता है, कार्टिलेज आता है. अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड इट्स सिम्टम? आर्थराइटिस विद इन्फ्लेम्ड जॉइंट. ये अगेन ऑल द फोर डिजीजेस आर टेकन फ्रॉम द सेम चैप्टर, है ना. मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉजिंग प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ मस्कुलर सॉरी ऑफ स्केलेटल मसल्स. नाउ हियर, एक्सक्यूज मी, दे हैव आस्क्ड यू करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड इट्स सिम्टम. मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर. फिर हम आते हैं टेटनी. टेटनी इज कॉज्ड बाय रैपिड कॉसिंग रैपिड स्पैजम्स. अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट. मायस्थेनिया ग्रेव इज जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स. ये होना चाहिए था यहाँ पे. तो एनीवेज, हमारा आंसर बन रहा है बी यहाँ पे. नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन. पढ़ लेते हैं हम असर्शन एंड रीजन को. ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज्ड बोन मास, डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर. क्या ये सही है? ये सही है. ऑस्टियोपोरोसिस स्पेशली एट द लेटर एजेस इन फीमेल्स, मेनोपॉज के बाद यू विल सी दैट द बोन्स बिकम वीकर. ऑस्टियोपोरोसिस. देन कम्स कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन. एंड नाउ इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे इंक्रीज लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन इज रॉन्ग. डिक्रीज लेवल्स बिकॉज दिस इज हैपनिंग आफ्टर मेनोपॉज, आफ्टर मेनोपॉज, राइट. ओके, तो हमारा आंसर बन रहा है ऑप्शन डी. ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट. हाउ मेनी क्वेश्चंस? थ्री क्वेश्चंस फ्रॉम लोकोमोशन एंड मूवमेंट. अब हम आते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनेप्सिस, रिगार्डिंग साइनेप्सिस. इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन दैट अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. ठीक है, केमिकल साइनेप्स इज फास्टर देन इलेक्ट्रिकल. दिस इज रॉन्ग. अ केमिकल साइनेप्स आप इज शोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स, है ना. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ऐसा नहीं है. तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं देन द होल प्रोसेस इज गोइंग टू स्लो डाउन लिटिल बिट बिकॉज यू आर कंपेयरिंग इट विद विद वॉट द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. ठीक है, तो ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी. दैट इज ट्रू. इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इन टू द अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. दैट इज ऑल्सो ट्रू. केमिकल साइनेप्स यूज न्यूरो ट्रांसमीटर्स लाइक आई टोल्ड यू जस्ट नाउ. दैट इज ऑल्सो ट्रू. यू हैव स्टडीड एसिटाइल कोलाइन, है ना. ओके, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. अब केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में अगेन यू हैव ओनली वन पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट्स ऑफ पैराथायरॉयड हॉर्मोन? पैराथायरॉयड हॉर्मोन का इफेक्ट क्या नहीं है? वॉट इज नॉट द इफेक्ट? तो ये है हमारा आंसर बी डी एंड ई ओनली. पैराथायरॉयड हॉर्मोन का इफेक्ट नॉट द इफेक्ट दे हैव आस्क्ड यू. बी नहीं है, डी नहीं है एंड ई नहीं है. ठीक है, अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर. यू जस्ट हैव टू स्टडी द फंक्शंस ऑफ द हॉर्मोन्स. आई नो ये भी बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बट व्हेन वी डू द क्लासेस वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई ऑल ऑफ दीज विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी, विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी. तो ये था क्लास 11th के क्वेश्चंस का एनालिसिस चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज. तो हम लोग एक झटपट से रिविजन कर ले ताकि आप अपने एनसीईआरटी में लिख लो कहीं पे कि कितने क्वेश्चंस थे, कितने क्वेश्चंस थे
फ्रॉम ईच पर्टिकुलर चैप्टर। चलो लिविंग वर्ल्ड से कितने आए, लिविंग वर्ल्ड से आया एक क्वेश्चन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कितना आया, वन क्वेश्चन। हाउ मेनी फ्रॉम प्लांट किंगडम, हाउ मेनी फ्रॉम प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम ने हमको दिए थ्री क्वेश्चंस। एनिमल किंगडम ने हमको दिए टू क्वेश्चंस। देन मॉर्फोलॉजी ने अगेन हमें दिए थ्री क्वेश्चंस। एनाटॉमी ने हमें दिए अगेन थ्री क्वेश्चंस। फिर हम आते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की तरफ, यहाँ पे हमें अगेन मिले कितने क्वेश्चंस, तीन, थ्री क्वेश्चंस अगेन फ्रॉम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देन वी कम टू सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एंड वी हैड अ ग्रैंड टोटल ऑफ थ्री क्वेश्चंस हियर एज वेल। बायोमोलिक्यूल्स हमने कितने क्वेश्चन देखे बायोमोलिक्यूल्स के, चार क्वेश्चंस। वी सॉ फोर क्वेश्चंस इन टोटल फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स। सेल साइकिल एंड डिवीजन से हमें मिले फोर क्वेश्चंस। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स से तीन क्वेश्चन। मिनरल एंड न्यूट्रिशन से टू क्वेश्चंस। लिख लो कहीं पे, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। फोटोसिंथेसिस से मिले अगेन थ्री क्वेश्चंस। रेस्पिरेशन से टू क्वेश्चंस फ्रॉम रेस्पिरेशन। वी हैड थ्री क्वेश्चंस फ्रॉम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वी हैड टू फ्रॉम डाइजेशन। वी हैड टू फ्रॉम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वी हैड टू क्वेश्चंस फ्रॉम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्क्यूलेशन। एक हो गया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन से। लोकोमोशन एंड मूवमेंट अगेन गेव अस थ्री क्वेश्चंस। न्यूरल कंट्रोल वन क्वेश्चन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन गेव अस वन क्वेश्चन, है ना, वन क्वेश्चन। ये सब लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ लो कौन सा यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हो। बट डोंट यूज दिस एज अ डेड रूल। हमें कट ऑफ नहीं रखना है अपने दिमाग में, मुझे 360 से 360 निकालने हैं। दिस शुड बी योर गोल। नहीं, मैं 360 से 200, 250, 280, 320 से काम चला लूंगा, ये नहीं रखना है हमें दिमाग में। वी हैव टू सी कि मैं 360 टू 360 कैसे लेके आऊँ। दिस इज वॉट यू हैव टू एम एट, है ना। आई होप यू हैव एंजॉयड टूडे सेशन। इन द नेक्स्ट सेशन मैं लेके आऊंगी आपके लिए क्लास 12th के टॉपिक्स। क्लास 12th के कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से चैप्टर्स आए और कितने क्वेश्चंस आए। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन बिकॉज आई एंजॉयड इट थरली। एनालिसिस इज ऑलवेज फन। मेक यूज ऑफ दिस सेशन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।